में बना है, ये 18 करोड़ की लागत से राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। 10 में आते पहले खूब इतने नहीं आते थे, खूब आने लग गए। और ये ऊपर बुजुर्ग वगैरह उनको जाने के लिए सबसे बढ़िया है। आपकी टिकट प्राइस क्या थी? इसमें थोड़ा सा एयर की क्रॉसिंग थी, थोड़ा सा नेट वगैरह कुछ लगा। यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन चमत्कारी माता जी है। पास में नियर बाई कोलेगढ़ हनुमान जी का मंदिर है। जयपुर में यहाँ पे पहली बार ऐसा रोपवे बना है, जो भी आएगा यहाँ पे दिल खुश करके ही जाएगा। इसकी शुरुआत 28 सितंबर मतलब करीबन 2.5 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। शहर में खोले गए हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे में बैठकर माँ वैष्णो देवी माता के दरबार में सिर्फ 5 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के पास से बनी टिकट विंडो से टिकट लेकर आप रोपवे में बैठकर न सिर्फ माँ वैष्णो देवी माँ के दरबार में पहुंचेंगे, बल्कि बीच में विहंगम दृश्य भी मोबाइल में कैद भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबाई में बना यह रोपवे 18 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 5 टावरों पर संचालित किए जाने वाले इस रोपवे की ऊंचाई 85 मीटर है। खोले गए हनुमान जी से वैष्णो देवी मंदिर मात्र 4.5 मिनट में पहुंच सकेंगे। देखिए क्या है टाइमिंग और टिकट्स, देखिए रॉयल पत्रिका की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं खोले के हनुमान जी के यहाँ, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो रोपवे बना है ये 18 करोड़ की लागत से राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4.35 मीटर की ये दूरी तय करता है, और ठीक 5 मिनट में लोगों को माँ वैष्णो देवी माता मंदिर के यहाँ दर्शन करवाने के लिए लेकर आता है। देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो रोपवे बनाया गया है, और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, दर्शन यात्रा भी खूब आते हैं, बढ़िया। जयपुर जिले में पहला अच्छा बना है। 10 में आते पहले खूब इतने नहीं आते थे, खूब आने लग गए, कोई दिक्कत नहीं। आने जाने में पर्यटन वाहन भी अच्छे आते जी। आपका नाम बता दीजिए। बोधलाल शर्मा। रोपवे के बिल्कुल पास ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संता जो इसकी है 6 व्यक्ति को लेकर है, और इसका जो वजन संता है वो 480 किलो के लगभग है। और मेरे साथ में ये जो सफर भी करते हैं, सवारी भी करते हैं, ये भी बताइए सब। आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले तो। मेरा नाम भगवान साय शर्मा है जी, और मैं जगतना का रहने वाला हूँ। और रोपवे जो आ रहा है ना, इसका मैकेजिंग सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो इसमें एक नली बनी हुई है और नीचे इसके पाइप लगा हुआ है, जिसमें से कि जो ढोले बने हुए ना वो इधर उधर नहीं होते हैं, सिस्टमेटिक है। जैसे ही इसमें यहाँ से रवाना होते हैं तो ऑटो लॉक हो जाते हैं, जो वहाँ ऊपर जाने के बाद नहीं खुलेगा, और या फिर सवारी रुकेगी या जो भी इनके कर्मचारी है वही खुल पाएंगे। सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया है। और जैसे अभी यात्रा करके आए हैं तो पूरे इस दौरान में मतलब बिल्कुल सेफ्टी से हैं, कहीं कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप जो है ना कोई ऐसी जगह बैठे हुए हैं, जो मतलब जो लेटेस्ट टेक्निकल जो है वो यूज किया हुआ है। तो जो शुरू में होते हैं कभी कभी ऐसे डर सा लगता है, झटके मारते थे, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आसानी से एकदम अच्छा सफर, जैसे अपन बस में बैठते हैं या वैसे बैठते हैं, सेफ्टी से बैठे हैं, कोई ऐसा डर का कहीं पे भी महसूस नहीं। और ये ऊपर बुजुर्ग वगैरह उनको जाने के लिए सबसे बढ़िया है। आपकी टिकट प्राइस क्या थी? ये 153 रुपये है, मिनिमम चार्जेस हैं, और वो हर कोई पे कर सकता है आराम से। इसका एक रास्ता और भी है, वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिए में है, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, और इसमें आसानी से हैं। अभी तो वो टाइम है जब सुबह के टाइम में इतनी भीड़ है, मेरे हिसाब से सुबह शाम तो बहुत ही शाम को तो ज़्यादा ही भीड़ है। तो रोपवे में सवारी कर बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया चीज़ बनाई, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया जी। मैम आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा सफोकेटेड है, थोड़ा सा एयर अच्छा हो सकता है। क्या इसके अंदर अच्छा होना चाहिए क्या? इसमें थोड़ा सा एयर की क्रॉसिंग के लिए थोड़ा सा नेट वगैरह कुछ लगा। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है।
सर मेरा नाम मुकेश कुमार नागर है, मैं इस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ, कन्वेंसर हूँ। ठीक है सर, बहुत ही नेचुरल बढ़िया जगह है और हमारे राजस्थान की ड्रेस की भी दुकान है जो अभी चालू करें 15 तारीख से। एकदम नया गेटअप है सर, और जो रोप वे है ना, यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन चमत्कारी माता जी है। पास में नियर बाई कोले गणमान जी का मंदिर है, और यहाँ से पूरा जयपुर नज़र आता है, यहाँ से जयगढ़ देख लो, नारगढ़ देख लो, गढ़गढ़े सवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, एकदम नेचुरल। पीछे पैंथर भी आते हैं, और नेचुरल चीज़ है सर, कोई भी आएगा ना तो उसके पैसे वसूले पूरे, ऐसे दुखेंगे नहीं उसके पैसे। कितनी फीस है सर? फीस 158 अप डाउन की। अप डाउन की, हाँ सर। जय माता दी, आप सभी को नमस्ते। यहाँ पे जो भी आएंगे खोले के हनुमान जी में जयपुर में, यहाँ पे पहली बार ऐसा रोपवे बना है, जो भी आएगा यहाँ पे दिल खुश करके ही जाएगा। बेशक आप सब लोग यहाँ पे आए और रोपवे को एंजॉय करें, खोले के हनुमान जी में भी आके दर्शन करें। धन्यवाद। यहाँ पे आके माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करें साक्षात। आज रोपवे पे आपने आज यात्रा भी की, क्या कहना चाहेंगे? यात्रा अपनी सफल रही, अच्छी रही, खुशमय रही, बल्कि हाँ ये है, आए यहाँ पे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आए, माता रानी के दर्शन करें, दर्शन करके सब परिवार अपने दर्शन कर लिए जी। रोपवे पर घूम कर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, माता रानी के साथ साथ दर्शन किए, जैसे अपन वैष्णो देवी में जाते हैं देखते हैं, वैसे ही अपने को यहाँ पे दर्शन हुए माता रानी के, बहुत बढ़िया लगा। जयपुर में पहली बार अपना आए खोले के हनुमान जी में, बहुत बढ़िया लगा। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, परिचय आपका। मेरा नाम अवध है। क्या यहाँ क्या है आप? मैं वैसे सब कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर जी, सुपरवाइजर वगैरह। रोपवे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रोपवे जनता के लिए समर्पित है जी, माता वैष्णो देवी के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, और आने वाले सभी को एंजॉय करने के हिसाब से इसको राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी लागत से बनाया गया है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? इसकी दूरी करीबन 500 मीटर 490 मीटर के आसपास की दूरी है जी जी। और जो पहले जो दूरी तय करनी पड़ती थी, कितनी करनी पड़ती थी सर बिना रोपवे के? 45 से 50 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती थी जी, पहाड़ की चढ़ाई होकर जाना पड़ता था जी। रोपवे का निर्माण किया गया, पहले यात्रा करने में 45 से 50 मिनट अनुमानित लगती थी यंग आदमी को, बुजुर्ग आदमियों के लिए चलने बहुत मुश्किल काम था। अब रोपवे लगने से ये यात्रा 5 मिनट में दूरी हो जाती है, अंदाजन करीबन 490 मीटर के आसपास इसकी कुल दूरी है, और हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं जनता को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। इसलिए हमने चुनाव के टाइम पे बोर्ड की उंगली दिखाने पे 20% डिस्काउंट का हमने ऑफर लगाया था, उसमें करीबन 3,500-4,000 आदमियों ने इसका लाभ उठाया है। 3 दिवस का ये कैंप था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 28 सितंबर, मतलब करीबन 2.5 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसको जो बनने में जो समय लगा कितना? वो करीबन 2 वर्ष से 3 वर्ष के, 2-2.5 वर्ष के आसपास का समय लगा कुल बनाने में इसको। ये राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार में हुआ? कांग्रेस सरकार में हुआ। और यहाँ के जो कर्मचारी किस तरीके से कैसे मैनेज कर पाते हैं? सब कर्मचारी अच्छा व्यवहार करते हैं, कर्मचारी इसमें अनुभवधारी हैं।